हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में दो शॉर्टकट की के बारे में सीखेंगे। चलिए समझते हैं वो शॉर्टकट की है क्या। देखिए यहां पर ये सिलेक्टेड रो देख रहे हैं आप, सिलेक्टेड रो के ऊपर आपको रो एक इंसर्ट करानी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। अब सिलेक्टेड रो के नीचे एक रो इंसर्ट करानी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, दोनों ही आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। सबसे पहले तो ऊपर वाले की बात करते हैं, तो अगर आपको एबव में रो इंसर्ट कराना है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट आई और आर। तो जैसे ही मैंने अल्ट आई आर प्रेस किया तो इंडिया के ठीक ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई। इसे मैं डिफरेंट कलर दे देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। देखिए यही वाला रो इंसर्ट हुआ है, अब इंडिया है, ठीक है। फिर यहीं पर रखता हूं, इंडिया को ही मैं सिलेक्शन में लेता हूं, इंडिया वाली रो को ही सिलेक्शन में लेता हूं, ठीक है। और अब हमको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, अल्ट आई और फिर हमें प्रेस करना है बी। तो अल्ट आई बी जैसे ही प्रेस किया मैंने तो देख सकते हैं कि नीचे एक रो इंसर्ट हो गया। तो ये कमाल की ट्रिक है, कमाल का ये शॉर्टकट की है। आप इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ रो या कॉलम इंसर्ट कराना हो आपको तो गूगल शीट में इंसर्ट करा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।